हमारा कह रहा है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन पर पहले हम लोग क्या करते हैं कि विचार करते हैं। देखिए इसमें एक नंबर जो ऑप्शन है वो है आपको 26 जनवरी, क्या है 26 जनवरी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपको जो बी नंबर ऑप्शन है वो है आपको 2 अक्टूबर, क्या है 2 अक्टूबर, और सी नंबर ऑप्शन है आपको 14 नवंबर, क्या है 14 नवंबर, और आपको जो डी नंबर ऑप्शन है वो है आपको 30 नवंबर, क्या है 30 नवंबर, क्या है 30 नवंबर। तो देखिए सबसे पहले इसमें प्रश्न आपका कह रहा है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए तो बाल दिवस जो है प्रत्येक साल आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 14 नवंबर को, यानी कि चिल्ड्रंस डे जो होते हैं वो कब मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे 14 नवंबर को प्रत्येक साल आपको भारत में मनाया जाता है, ठीक है ना। चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर, किसके जन्म दिवस पर, चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर, इसको भी आपको याद रखना है कि चाचा नेहरू के क्या है कि आपको जन्म दिवस पर, क्या है जन्म दिवस पर ये चीजें जो होती है वो आपको मनाई जाती है, ठीक है ना। कौन सा दिवस बताइए तो बाल दिवस। अगर प्रश्न कर देंगे बताओ कि बाल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्या कहोगे चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर। चाचा नेहरू से खड़े हुआ कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर, यहाँ से ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक चीज आ गया कि 2 अक्टूबर, तो देखिए 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती, क्या है कि गांधी जयंती, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाते हैं, किसके रूप में मनाते हैं गांधी जयंती, और एक जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री जयंती, क्या मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में हम क्या करते हैं क्या तो मनाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है बताइए, ये आपको 2 अक्टूबर को, तो याद रहेगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है ना। गांधी जी के जन्म दिवस पर, क्या होता है जन्म दिवस पर, गांधी जी का जन्म कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को आपको गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, कहा हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न है कि सर लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म हुआ था वो आपको कब हुआ था, ठीक है आपको 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, कब हुआ था 2 अक्टूबर 1904। इस प्रकार से आपको सारी चीजों को क्या करना है कि अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और लाल बहादुर शास्त्री ध्यान से सुनिएगा, यह हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपको विदेश में हुई थी, क्या हुई थी विदेश में, मतलब कि देश से बाहर इनकी क्या हुई थी आपको मृत्यु हुई थी। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है आपको ताशकंद में हुआ था, क्या हुआ था ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को, ठीक है ना। 11 जनवरी, ठीक है ना, मेरी बात सुनिए कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई थी वो आपको ताशकंद में हुई थी, क्या हुई थी ताशकंद में, क्योंकि ताशकंद समझौता 10 जनवरी को 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच उसके अगले ही दिन की क्या हो गई थी मृत्यु हो गई थी। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना। फिर आपको 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, कैसे मनाते हैं गणतंत्र दिवस, आपको याद रहेगा 26 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं आपको गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं गणतंत्र दिवस। अब ये जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है वो आपका यहाँ सेंसर होगा, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो है वर्ष 1950 में क्या हुआ था आपको लागू हुआ था। ध्यान सुनिएगा कि भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था लागू हुआ था, इसीलिए आपको 26 जनवरी को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको गणतंत्र दिवस के रूप में क्या कहते हैं कि आपको मनाते हैं, क्या कहते हैं मनाते हैं। इसमें प्रश्न आ जाएगा कि बताइए कि 26 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, किस दिवस के रूप में मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था अंगीकार किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में क्या करते हैं मनाते हैं। यहाँ से आइए कुछ जो महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि आपको 5 जून को क्या है 5 जून को, तो 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम उसी को क्या करें कि आपको टारगेट करें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपको 5 जून को, ठीक है। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है आपके एग्जाम में कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानव अधिकार दिवस जो है तो आपको 10 जनवरी को, सॉरी क्या कहते हैं 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, क्योंकि आपको 10 दिसंबर को क्या किया जाता है मनाया जाता है। मोबाइल जितना भी बज रहा है मोबाइल को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, क्लास में आपको बार बार बताया जाता है। देखो
तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, क्या मनाते हैं, क्या करते हैं, मनाते हैं। उसके बाद आपको 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल विविधता दिवस कब मनाया जाता है, वो आपको यानी कि क्या कहते हैं कि 22 मार्च को कितना को 22 मई को याद रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जल विविधता दिवस कब मनाया जाता है, आपको 22 मई को कितने मई को 22 मई को, ठीक है ना। फिर आपको मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो वह आपको 1 मई को कितने को 1 मई को। सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस जो की आपको 7 अप्रैल को क्या होते हैं मनाया जाते हैं। देखिए ऐसे ही दिवसों को आपके एग्जाम में क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि बाल दिवस क्या है, कि आपको कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए कि गांधी जी की हत्या कब हुई। प्रश्न कर रहा है कि गांधी जी की हत्या कब हुई। आइए थोड़ा सा हम गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को क्या करते हैं कि आपको सीखते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म क्या है, कि महात्मा गांधी, देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं गांधी जी का, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस पर हम लोग क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे। तो देखिए तो गांधी जी का सबसे पहले जो जन्म हुआ था, क्या हुआ था, जन्म हुआ था, वो आपको 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कितना को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ था, तो आपको पोरबंदर में हुआ था। क्या हुआ था, पोरबंदर में। पोरबंदर जो है वो आपको गुजरात में, गुजरात के काठियावाड़ जिला में, ठीक है ना। याद रखिएगा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके माता का नाम को भी याद रखिएगा, इनके माता का नाम है आपको पुतलीबाई। क्या नाम है, पुतलीबाई। क्या नाम है, पुतलीबाई। और इनके जो पिता थे, क्या थे, पिता थे, ठीक है ना, उनका नाम है आपको करमचंद गांधी। क्या नाम है, करमचंद गांधी। याद रखिएगा गांधी जी के पिता का नाम क्या था, आपको करमचंद गांधी। करमचंद मतलब वो वाला नहीं समझ आ रहा, ठीक है, 5 रुपया वाला, ठीक है ना। चले देखिए फिर यहाँ से बात आती है कि गांधी जी के पत्नी का नाम जो क्या है। तो देखते हैं गांधी जी के जो पत्नी का नाम है वह आपको कस्तूरबा गांधी है। क्या नाम है, कस्तूरबा गांधी। याद रखिएगा कि गांधी जी के पत्नी का नाम क्या है, तो कस्तूरबा। क्या नाम है, कस्तूरबा गांधी, ठीक है ना। याद रहेगा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या है, आपको कस्तूरबा गांधी। क्या है, कस्तूरबा गांधी, ठीक है ना। याद रखिए कि गांधी जी के पत्नी का नाम क्या, कस्तूरबा गांधी, ठीक है ना। फिर यहाँ से बात आएगा कि गांधी जी के कितने पुत्र थे, तो गांधी जी के पास 4 पुत्र थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको यह पूछा जाएगा कि गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए तो गांधी जी का 5वां पुत्र जो है वो आपको जमनालाल बजाज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जमनालाल बजाज को। याद रहेगा गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है, जमनालाल बजाज को कहा जाता है। फिर से प्रश्न आएगा कि गांधी जी का पहला जो विदेश दौरा था वो क्या था। तो गांधी जी का जो पहला विदेश दौरा था वो आपको इंग्लैंड था। क्या था, इंग्लैंड था। मतलब कि गांधी जी अगर विदेश की यात्रा किए थे तो सबसे पहले किस देश की यात्रा किए थे, इंग्लैंड का। तो गांधी जी का पहला विदेश यात्रा क्या है, विदेश यात्रा, ठीक है, वो क्या था बताइए। इधर तो आपको इंग्लैंड था, जहाँ वो वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या हुए थे, आपको गए हुए थे। फिर यहाँ से प्रश्न एक और किया जाएगा, क्या किया जाएगा, एक और किया जाएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। प्रश्न पूछेगा कि बताओ कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। कैसा में गए थे, 1893 में। फिर यहाँ से प्रश्न और किया जा सकता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए कब, यानी कि वापस कब आए। तो गांधी जी आपको 9 जनवरी, कितना जनवरी, 9 जनवरी 1915 को, कितना को, यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए थे, आपको भारत जो थे वो आपको वापस आए थे, ठीक है ना। ठीक है प्रश्न, फिर यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों का नाम बताइए, ठीक है। तो देखिए तो गांधी जी सबसे पहले जो सत्याग्रह का प्रयोग किए थे वह आपको कहाँ किए थे, तो आपको यानी कि दक्षिण अफ्रीका 1906 में। लेकिन भारत में इनका जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था वो था आपको चंपारण सत्याग्रह। क्या है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि इन्होंने 1917 में किया था। तो गांधी जी के द्वारा भारत में जो चलाए गए प्रमुख आंदोलन है उसमें आपको एक है चंपारण सत्याग्रह। क्या है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपको 1917 में चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि खेरा किसान आंदोलन। क्या है, खेरा किसान आंदोलन, खेरा जो गुजरात में, ठीक है ना। ये जो खेरा किसान आंदोलन है, ठीक है ना, ये गांधी जी के द्वारा 1918 में, कितना में, 1918 में आपको कहाँ चलाया गया था, आपको गुजरात के खेरा में, ठीक है ना। उसके बाद जो है तीसरा, ठीक है ना, वो आपको क्या कहते हैं, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन। क्या है, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन। तो अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन जो है यह गांधी जी के द्वारा 1918 में चलाया गया था। कदम चलाया गया था 1918 में, जिसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद है आपको असहयोग आंदोलन। क्या है, असहयोग
आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी जो है 1920 में शुरू किए थे, कितना शुरू किए थे 1920 में, और असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया था, हमको वापस ले लिया गया था 1922 में, ठीक है ना। उसके बाद एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ठीक है ना, ये आपको गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था 1930 में, कितना में 1930 में, कितना में 1930 में, गांधी यात्रा के बाद ठीक है ना। उसके बाद है आपको भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, क्या हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, क्या हुआ था आपको शुरू हुआ था ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना है। तो देखिए गांधी जी के द्वारा चलाए गए क्या है कि आपको प्रमुख आंदोलन है, क्या है प्रमुख आंदोलन, ताकि हम आपसे प्रश्न करेंगे कि बताइए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो शुरू किए थे कब किए थे 1917 में, नील के जो आपको खेती कराने वाले जो नीलहा थे ठीक है ना, उसके अत्याचार से ग्रसित लोगों को क्या हुआ था मुक्ति दिलाया गया था इस चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से, तो आपको बिहार राज्य से, ठीक है ना। मेरा किसान आंदोलन का संबंध गुजरात राज्य से, अमादाबाद श्रमिक आंदोलन का जो संबंध है वो आपको कहाँ से है, आपको गुजरात से, कहाँ से गुजरात से। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था, तो क्या कहेंगे असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी कब शुरू किए थे 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो आपको कब शुरू हुआ था 1942 में, ठीक है ना, किसके द्वारा गांधी जी के द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने एक हिंसक नारा दिया था जो था आपको क्या करो या मरो का, पूछ लिया जाता है कि करो या मरो का नारा को दिया था, क्या कहेंगे गांधी जी, ठीक है ना। अब हम यहाँ से बात करते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जी के माता का नाम क्या था कुतरीबाई, पिता का नाम क्या करमचंद गांधी, इनकी पत्नी का नाम क्या था कस्तूरबा गांधी, ठीक है ना। इनके पांचवा पुत्र कौन कहे जाते हैं जमनालाल बजाते हैं, गांधी जी का पांचवा पुत्र कौन कहे जाते हैं तो आपको जमनालाल बजाते हैं, ठीक है ना। चलिए गांधी जी का पहला विदेश यात्रा किस देश का था, इंग्लैंड का, जहाँ वो वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, ये जो इंग्लैंड देख रहे हैं ये आपको वकालत यानी कि वकील की शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या हुए थे, आपको गए हुए थे कहाँ इंग्लैंड में। उसके बाद वहां से वापस लौटे तो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे 1873 में, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट गए 9 जनवरी 1915 को, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था कि आपको भारत वापस आया, तो उन्होंने ठीक है ना कि आपको सबसे पहला जो आंदोलन किया था आपको सत्याग्रह किया था, पर कहाँ किए थे, तो क्या कहेंगे चंपारण में, इसको आपको जल्दी से क्लियर करेंगे, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए प्रश्न कर रहा है इन में से कौन सा आंदोलन गांधी मार्ग से शुरू हुआ था, किसे करा है कि गांधी मार्ग से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी मार्ग से, किससे गांधी मार्ग से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो सबसे पहले यह जानो कि गांधी मार्च आपको कब तक चला था, ठीक है ना। तो यह आपको 12 मार्च ठीक है ना 1930 से आपको 6 अप्रैल 1930 तक आपको गांधी यात्रा जो था वो आपको क्या हुआ था चला था, टोटल आपको 24 दिन चला था, कितना दिन चला था 24 दिन। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न इस साल का कि गांधी यात्रा जो है आपको कितने दिन चला था, क्या कहिएगा आपको 24 दिन चला था, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है ना। गांधी मार्च जो शुरू किया था कौन किया था आपको महात्मा गांधी, कौन कहते हैं महात्मा गांधी, अर्थात महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह गांधी यात्रा जो था वो आपको क्या हुआ था चला था, ठीक है। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि गांधी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, यह आपको गुजरात के साबरमती से, कहाँ से शुरू हुई थी गुजरात के साबरमती आश्रम से गांधी यात्रा को क्या किया गया था, आपको शुरू किया गया था। और गांधी यात्रा का उद्देश्य जो था सरकार के द्वारा जो बनाया गया नमक कानून है उसको क्या करना, आपको तोड़ना, क्या करना तोड़ना, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि गांधी यात्रा के दौरान गांधी जी जो थे अपने 78 सहयोगियों के साथ आंदोलन को शुरू किए थे, जिसमें कितने किलोमीटर की दूरी जो थी तय की गई थी, तो आपको 385 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, या इसी को आप लिख सकते हैं 241 मील, क्या लिख सकते हैं 241 मील, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि गांधी यात्रा के दौरान 241 मील या 385 किलोमीटर की जो यात्रा थी वो आपको पैदल की गई थी, किसके द्वारा आपको गांधी जी के द्वारा। और इसी आंदोलन से क्या हुआ था कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो आपको क्या हुआ था शुरू हुआ था। वहां से आपका आंसर मिल गया, क्या हो गया मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी यात्रा से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया दूसरा जन आंदोलन था। देखिए पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, और दूसरा जन आंदोलन कौन था बताइए,
आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन था, कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इन चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है, समझना है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ क्या हुआ था, शुरू हुआ था, और यह आपको 1930 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था, और पहले टर्म में यह आपको 1931 तक चला था। कब तक चला था? 1931 तक, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ऑप्शन है ए नंबर, स्वदेशी आंदोलन। क्या है? स्वदेशी आंदोलन। तो देखो भाई, ये तो स्वदेशी आंदोलन है, आपको 1905 में चला था। कितने में चला था? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप क्या हुआ था, इस स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। क्या किया गया था? शुरू किया गया था। उसके बाद है आपको असहयोग आंदोलन, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन। तो देखिए ये जो असहयोग आंदोलन है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको 1920 से 1925 तक चला था। कितना तक चला था? 1920 से 1925 तक, ठीक है ना। और गांधी जी जो थे, ठीक है ना, ये शुरू जो ये आंदोलन किए थे, तो इसे आपको जन आंदोलन का क्या हुआ, ये रूप दिया गया। मतलब कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया जो पहला जन आंदोलन था वो कौन था, तो आपको असहयोग आंदोलन था, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर डी है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, क्या है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ये आपको 1942 में क्या हुआ था, क्या आपको शुरू हुआ था। और ध्यान से सुनिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में यह क्या हुआ था, क्या आपको शुरू हुआ था। फिर अगला प्रश्न यहाँ से यह पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा करो या मरो का नारा कौन दिया था। देखिए तो करो या मरो का नारा कौन दिए थे, आपको गांधी जी दिए थे। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि बताइए कि भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली। कौन दिया था? यूसुफ मेहर अली। क्वेश्चन में जाने भाई सीधे है, यूसुफ मेहर अली। कौन दिया था? यूसुफ मेहर अली। देखो प्रश्न पूछेगा कि भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था, क्या कहेंगे? यूसुफ मेहर अली। अब प्रश्न पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा कौन दिया था, तो क्या कहेंगे? आपको गांधी जी। क्या है? गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपको 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, और इस दौरान क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए क्या किया था, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। और इस ऑपरेशन के तहत महात्मा गांधी को नजरबंद करके आपको आगरा का पैलेस में क्या कर दिया गया था, रख दिया गया था। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपको अहमदनगर जेल में क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था। जहां पर क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को क्या किए थे, लिखे थे। देखिए कभी कभी प्रश्न कर दिया जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो आपको जवाहरलाल नेहरू ने कहां लिखा था, तो क्या कहेंगे कि आपको अहमदनगर जेल में, जहां उनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, गिरफ्तार करके रखा गया था, ठीक है। तो गांधी जी जब गिरफ्तार कर लिए गए तब भारत आंदोलन का नेतृत्व था वो आपको अरुणा असफल ने किया था। कौन किया था? अरुणा असफल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, तो क्या कहेंगे आपको अरुणा असफल ने किया था। कौन किया था? अरुणा असफल ने किया था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में। करो या मरो का नारा कौन दिया था? गांधी जी। लेकिन पूछे थे कि भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था, तो क्या कहेंगे? यूसुफ मेहर अली। क्या कहेंगे? यूसुफ मेहर अली। चलिए बोलिए आपका क्वेश्चन क्या था, कोई क्वेश्चन है ना? तो इससे मतलब डाउट कर दिया हमें, रुके एक मिनट। हाँ बोलिए, क्वेश्चन है था मतलब तो वाला ना। चलिए ये देखिए, ये हम आपको सिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है, ठीक है ना, जब आपको शुरू हुआ था, ठीक है ना, तो कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए आपको मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो क्या हुआ था, क्या शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन और बताऊं, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जब भी मौलाना अबुल कलाम आजाद आएगा, एक चीज को याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, ठीक है ना, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले क्या थे, व्यक्ति थे। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा क्या कहते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस के क्या रहे थे, अध्यक्ष भी रहे थे। क्या रहते हैं? अध्यक्ष भी रहे थे। उम्मीद है कि आप इसे क्लियर कर लेंगे। जल्दी से देख लीजिए, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। देखिए इसको आपको ऑप्शन से समझना है। कैसे समझना है? ऑप्शन से समझना है। तो देखिए एक है आपको बारदोली। क्या है? बारदोली। देखिए ये नंबर ऑप्शन आपका क्या है, बताइए, वो है आपको बारदोली, ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरा ऑप्शन है वह है आपको क्या, चंपारण। क्या है? चंपारण, ठीक है ना। तीसरा जो है वह आपको है यानी कि दांडी। क्या है? दांडी, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन जो है वह है आपको वर्धा। क्या है? वर्धा। यहाँ पर सबसे पहले जगह को जान लीजिए कि कहाँ पर कौन जगह है।
ये जो बारडोली है ये आपको गुजरात में क्या है, गुजरात में याद रखिएगा, ठीक है ना। चंपारण जो है ये आपको बिहार में क्या है, बिहार में। गांधी जो है ये आपको गुजरात में, मेरी बात सुनो पहले, ये गुजरात में। और बर्धन जो है ये आपको महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में। देखिए आपका प्रश्न की कह रहा है कि देखिए महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो ये आपको चंपारण में किया था। क्या कहते हैं, चंपारण में। क्योंकि आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो आपको 1917 में हुआ था। क्या हुआ था, 1917 में। और यह तिरकटिया व्यवस्था के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, तिरकटिया व्यवस्था के खिलाफ। क्योंकि आपको पता होगा कि कहते हैं आपको चंपारण में तिरकटिया व्यवस्था लागू, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 20 कट्ठा भूमि होता था तो उसके 3 कट्ठा भूमि पर आपको नील की खेती करना पड़ता था। तो चलो मैं नील की खेती किया, ठीक है ना। लेकिन क्या होता था, किसानों को उसका उचित रेट नहीं मिलता था, किसानों की भूमि बंजर होती चली जा रही थी। तो किसान जो थे इस व्यवस्था से त्रस्त थे, क्या थे, त्रस्त थे। तो ऐसे में 1916 में क्या हुआ था कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, लखनऊ में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी, उस बैठक में, ठीक है ना, बिहार के एक किसान थे चंपारण के, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था, राजकुमार शुक्ल, ठीक है ना। ये राजकुमार शुक्ल से गांधी जी की मुलाकात जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ। तो गांधी जी को उन्होंने ही न्योता दिया कि आप चंपारण आइए और चंपारण में जो किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उससे उन्हें मुक्ति दिला दी। क्या ठीक है, मुक्ति दिला दी। तो ये जो गांधी जी चंपारण आए थे, किस वजह से हैं कि तिरकटिया व्यवस्था से किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए, ठीक है ना। तो गांधी जी जो है भारत को पहला जो सत्याग्रह आंदोलन किए थे वो आपको चंपारण सत्याग्रह किए थे, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि जी बारडोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो ये आपको गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में। तो बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये आपको 1928 में हुआ था। और बारडोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद क्या हुआ था कि आपको गांधी जी ने, किसने, गांधी जी ने सरदार पटेल को क्या क्या था, अस्पताल की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी गई थी, आपको सरदार की उपाधि, ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बारडोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद क्या है, सफल होने के बाद, ठीक है ना, कि आपको सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कौन दिया था, तब कहेंगे महात्मा गांधी को, कहेंगे महात्मा गांधी ने दिए थे, ठीक है ना। कहां से, तो आपको बारडोली की महिलाओं की ओर से, किस ओर से, बारडोली की महिलाओं की ओर से, याद रखना है। तो बारडोली सत्याग्रह कब, 1928 चंपारण सत्याग्रह कब, 1917 में। उसके बाद गांधी यात्रा, तभी बताया था गांधी यात्रा, ठीक है ना। तो आपको 12 मार्च 1930 से कितना है, 1930 से आपको कितना, 6 अप्रैल, ठीक है ना, 1930 तक, यानी कि 24 दिन, कितना दिन, 24 दिन की क्या आपको यात्रा थी। और इसका उद्देश्य था नमक कानून को क्या करना, तोड़ना, क्या करना, तोड़ना। और ये जो आपको वर्धा है, ये आपको महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में। तो भारत जोड़ो आंदोलन चलाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था 1942 में, वह आपको वर्धा अधिवेशन में हुआ था। किसमें हुआ था, वर्धा अधिवेशन में ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का जो प्रस्ताव हुआ था वो आपको पास हुआ था। तो देखिए इतिहास से क्या सीखे कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में। बारडोली क्या है, गुजरात में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। चंपारण क्या है, बिहार में। गांधी किस राज्य में, गुजरात में। महात्मा गांधी दांडी यात्रा कब शुरू किए थे, 12 मार्च 1930 को, और यह 24 दिन चला था। इसका इसका अंत कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना। वर्धा कहाँ है, तो क्या कहेंगे आपको, महाराष्ट्र में। और इसी वर्धा अधिवेशन से क्या हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो आपको क्या हुआ था, पारित हुआ था। इसको फटाफट जल्दी से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप इसमें हमें बताएंगे, ठीक है ना, इसको क्लियर कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था, क्या है ये खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन का जो कनेक्शन है ना वो आपको प्रथम विश्वयुद्ध से, किससे है, प्रथम विश्वयुद्ध से। आइए सबसे पहले प्रथम विश्वयुद्ध को क्या कहते हैं समझते हैं। तो देखिए ये जो प्रथम विश्वयुद्ध है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है, ध्यान से सुनिएगा, वह आपको 1914 से 1918 तक चला था, यानी कि 4 वर्ष चला था। कितना वर्ष चला था, 4 वर्ष नहीं। और प्रथम विश्व युद्ध में आपको 37 देश भाग लिए थे। कितने देश भाग लिए थे, मतलब इसमें जो सम्मिलित देश थे वो आपको कितने थे, आपको 37 देश थे। कितने देश थे, 37 देश थे, ठीक है ना। इसको बस याद रखिएगा, ठीक है ना। देखो क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज ने क्या है, अंग्रेजों ने भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए भारतीयों के सामने तरह तरह के लुभावने वादे किए। क्या किए, लुभावने वादे किए। जैसे कि प्रथम विश्व समाप्त हो जाता है तो भारत में क्या होगा कि आपको एक मतलब की स्वराज की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। शासन प्रशासन की बात जो है उसमें आपको भारतीयों को शामिल किया जाएगा। विभिन्न तरह के वादे किए गए। कहा गया कि जो आपको मतलब इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वादे किए। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1918 में, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या हुआ था,
कि प्रथम विश्व युद्ध को मतलब राष्ट्र ने जो जीता उसमें आपको वो कौन था, आपको इंग्लैंड भी था ठीक है ना, तो इसने खलीफा मतलब की जो पद था ठीक है ना उस पद को क्या कर दिया, हटा दिया था। आपके यहाँ प्रश्न आएगा कि सर खलीफा पद जो था क्या था, उस समय इस्लाम जगत का सबसे बड़ा पद था और वो इस्लाम का क्या करता था, नेतृत्व करता था। तो ऐसे में क्या होता की ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने क्या कर दिया की खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, क्या कर दिया समाप्त कर दिया। तो ऐसे में अंग्रेजों के खिलाफ देश विदेश में कई सारे आंदोलन हुए, हमारे भारत में भी जो एक आंदोलन हुआ ठीक है ना, उसको नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। क्या नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। तो देखो ये जो खिलाफत आंदोलन है इससे आपका कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा आप इस पर डायरेक्ट चर्चा कीजिए ठीक है ना। तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो है ये आपको 1919 में हुआ था, क्या हुआ था 1919 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था ध्यान से सुनिएगा ठीक है ना, तो इस खिलाफत आंदोलन के जो आपको नेतृत्व करता थे वो थे अली बंधु मतलब की मोहम्मद अली, कौन अली मोहम्मद अली और आपको शौकत अली, कौन अली मोहम्मद अली और आपको शौकत अली, इस दोनों भाई ने क्या किया था मिलकर खिलाफत आंदोलन का क्या किया था कि आपको नेतृत्व किया था। जबकि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के जो अध्यक्ष थे भारत में वो आपको महात्मा गांधी थे, कौन थे महात्मा गांधी थे, कौन थे महात्मा गांधी थे। याद रखा कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था तो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। खिलाफत आंदोलन क्यों चला था तो खलीफा को उसके पद पर बैठाने के लिए, क्या करने के लिए खलीफा को उसके पद पर पुनः बैठाने के लिए, उसकी जो प्रतिष्ठा खो गई थी उस प्रतिष्ठा को वापस दिलाने के लिए, क्या करने के लिए कि प्रतिष्ठा को वापस दिलाने के लिए खलीफा को उसके पद पर पुनः बैठाने के लिए आपको क्या होता कि भारत में खिलाफत आंदोलन जो था वो आपको चलाया गया था ठीक है। यहाँ से प्रश्न आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था 1914 में, कब तक चला था 1918 तक, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष चला था तो 4 वर्ष, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल हुए थे 33 देश। ये जो आपको इसमें जो जीत हुई थी वो आपको मित्र राष्ट्रों की हुई थी, किसकी हुई थी मित्र राष्ट्रों की। देखते हैं हम ज्यादा चर्चा नहीं किया क्योंकि आपको क्रैश कोर्स का बैच है इसमें ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि देखिए कि एक एक टॉपिक को आपको क्या होता है कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में पढ़ते थे इसमें मित्र राष्ट्र कौन था पूरी राष्ट्र कौन था इसका परिणाम क्या वजह से बताया कि संधि से वर्ष की संधि सब परिणाम से बताया, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था क्यों शामिल हुआ था इस सब बातें आपको बताया जाता है। तो उसके लिए अलग से फाउंडेशन बैच है तो आपको फाउंडेशन बैच को क्या करें ज्वाइन करें ठीक है। तो चलिए उसको आप लोग जल्दी से क्लियर कर लीजिए ठीक है।